पंडित जी आपसे कहना चाहेंगे कि आज महाशिवरात्रि है और बाबुलनाथ मंदिर में सुबह से भक्तों की तादाद लगी है, सबसे पहले क्या क्या भगवान शिव को जो है चढ़ावे में चढ़ाया जाता है भक्त जनों के द्वारा? सबसे पहले भगवान को जल चढ़ाते हैं, जल के बाद दूध, दूध के बाद भगवान को दही, घी, शक्कर, मध, गन्ने का रस, भस्म, भांग वगैरह इत्यादि भगवान को सबसे प्रिय है। ये चढ़ाने के बाद भगवान को बिलपत्र पुष्प, क्योंकि भगवान ने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रेक्षति, जो भी भक्त मुझे पत्र पुष्प फल और जल जो चढ़ाता है उसको समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। और आज जाने में या अनजाने में भगवान शिव की जो पूजा करता है उनकी सब प्रकार की मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। बाबूलाल मंदिर में हर साल जो है भक्त की तादाद हम देखते हैं, लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलकर भगवान शिव को जो है पूजा अर्चना करते हैं, इस बार क्या कुछ जो है अभी तक भक्त कितने जन आए हैं और कितने लोगों के आने की संभावना है? इस बार कम से कम अभी 1.5 से 2 लाख पब्लिक अभी दर्शन कर चुकी है। रात में 12 बजे तक कम से कम 2 से 3 लाख पब्लिक और आने की संभावना है। इस तरह से 5 से 6 लाख पब्लिक दर्शन करती है पूरे शिवरात्रि में, रात में और दिन में। और अभी जो व्यवस्था की गई है अभी उसमें थोड़ा दूध की अभी लोगों ने हमें बंद किया गया है और पानी की थोड़ा बंद किया गया है क्योंकि अव्यवस्थाएँ हो रही हैं और थोड़ा सा टाइम बचे इसके लिए भक्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को दर्शन मिल सके, इसलिए हमने व्यवस्था को देखते हुए आगे का काम किया हुआ है। हरिओम। भगवान शिव को आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या चढ़ाया जाता है? बेल पत्ता, बेल फूल, गंगा जल, उसका नारियल, जो बाबा से मांगो मिलता है भाई। सुबह कितने बजे आप आए हैं यहाँ पर दर्शन के लिए? सुबह मैं तो नहीं आ पाया भाई, मैं तो अभी आया, लेट हो गया मेरे को, पर पास से दोस्त के पास से आया, मैं दोस्त नहीं आ पाया, मैं आया उसके पास। साल आप यहाँ पे आते हैं? हाँ, हर सोमवार को बाबूनाथ मिलने आते बाबा से। इसी तरह रहती है कि कुछ बदलता है? नहीं, भीड़ इतना नहीं रहता है, आज ज़्यादा ही भीड़ है। तो कुल कितने लोग आते होंगे कुछ अंदाजा आप बता सकते हैं? हर साल आप आते हैं, कितने लोग दर्शन के लिए आते हैं बाबा बाबूनाथ मंदिर में? मैं ये दूसरा बार आ रहा हूँ बाबूनाथ मंदिर को। अच्छा, इसमें बहुत बहुत आप बताइए सुबह कितने बजे दर्शन के लिए आप आए हैं बाबूनाथ मंदिर? एक्चुअली कैसा है कि यहाँ पे तो रात से शुरू हो जाता है 12 बजे के बाद से, लेकिन मैं इस बार थोड़ा सा लेट आया हूँ, लेकिन फिर भी जो दृश्य देख रहे हैं वो हिसाब से तो मैं तो एक्चुअली थोड़ा बहुत लेट आया हूँ, मैं बहुत लेट आया हूँ और मैं किसी के रेफरेंस आया हूँ। वैसे तो यहाँ पे 8 बजे आने वाले लोग अभी तक लाइन में ही है, झूठ क्या बोलने का, मैंने भी अभी तक दर्शन नहीं किया, ये देखिए मेरे हाथ में सब अभी तक पड़ा ही है, ले लेंगे दर्शन, अब यहाँ तक आए हैं, हर हर महादेव का नाम लेके यहाँ तक पहुँच चुके हैं। क्या कुछ चढ़ावे में आप चढ़ाते हैं? ये मैं गंगा जल, गाय का दूध और बेलपत्र, ऐसे तमाम जो महादेव को लगता है वो सारे चीज़ें लेके आया हूँ, सारे पदार्थ लेके आया हूँ। अच्छा। बाकी अब ऊपर वाले की मर्जी है, सब भोलेनाथ का कृपा है। तो हर साल आप आते हैं? हाँ हाँ, हर साल। आज मैं कितने साल से आ रहा हूँ ये मैं भूल चुका हूँ। अच्छा। पर मैं आ रहा हूँ हर साल। हर साल इसी तरह भीड़ लगती है? हर साल तो इसी तरह भीड़ लगती है और मेरे को लगता है इस बार थोड़ा सा कम है, लेकिन इसके पहले साल जो मैं आया था रात को 11 बजे वो भयंकर भीड़ थी, तो वो देखने में और बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन इस बार थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। शायद सवेरे सवेरे लोग 3-4 बजे काफ़ी हद तक लोग आ जाते हैं, हमने लाखों की तादाद में पब्लिक आती है, जो दर्शनार्थी रहते हैं दर्शन करने वाले वो लाखों के तादाद में रहते हैं। आप लास्ट ईयर का देखेंगे तो बहुत लोग थे मतलब दर्शन करते करते लोग थक जाते थे, कब आएगा, मतलब मंदिर में जाने के बाद तो लोग पिंड को नहीं छोड़ते थे, चढ़ाते थे और वहीं खड़े रह जाते थे, मतलब लोग 2-2, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा लाइन लगाने के बाद तो मतलब लोग सोचते हैं ना कि 2-3 मिनट तो रुकूं, पर नहीं, 30 सेकंड तक का ही समय मिलता है, उसमें आपको पूरा जो करना है कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं ना, सिर्फ अगर आप 5 मिनट लोगे तो बाकी 1 लाख लोग कितना लेंगे। और बताइए, महाशिवरात्रि है आज और सुबह आप कितने बजे आए दर्शन? 8 बजे। हर साल आते कि पहली बार आया? नहीं, पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लगा आके। क्या कुछ जो है चढ़ावे में इस बार चढ़ाएंगे भगवान शिव को? यही उनका प्रसाद है, गंगा जल है, दूध है और भी सब है। पूरे परिवार के साथ आएंगे? नहीं नहीं, मैं और हमारे बड़े भाई साहब आए हुए हैं साथ में।
Yeah.